हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दी बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोण मिति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज या फिर प्रश्नावली जो है हम वो करने जा रहे हैं आज, जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की है यानी कि त्रिकोणमिति अध्याय की जो सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है प्रश्नावली है वो एक्सरसाइज 8.4 है। इसमें से हम मान के चलिए कि इसमें जो इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है या फिर जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें जिसमें 10 पार्ट है उसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का मान के चलिए कि आपका पेपर में आएगा ही आएगा। और इस क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन है इसको इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है आप मान के चलोगे सारे के सारे इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और उनमें से जो कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको करा देता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। वन को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब हमको पता है कि जब हम मैंने कल आपको बताया था कि जब भी इस टाइप के आए तो पहले सबसे पहले क्या करना, आप इन दोनों को एड कर लेना पहले, ठीक है। 63 और 27 को आप ऐड कर लो एक बार, कितना आ रहा है देखो देखो 63 और जब 27 को ऐड करोगे ना देखो 90 आ रहा है, और जब 17 और 73 को ऐड करोगे तभी भी 90 आ रहा है, ठीक हो गया दोस्तों। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम समझते हैं कि ये दोनों बराबर है। जब हम इसको 90 माइनस 27 करेंगे तो 63 आएगा, या 90 माइनस कुछ भी करेंगे तो हमारा सिमिलर चीज आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये करेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 कर दिया मैंने इसको, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है दोस्तों। और नीचे कर दिया मैंने कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब मैंने कल आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर आपको याद नहीं है मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, देखिए ये है फॉर्मूले, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम सीधे इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 73 डिग्री वाला होता आ गया मैंने पहले, सॉरी, फिर एक साइन स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन 90 साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक हो गया दोस्तों। अब देखो, अब मैं यहां पर हमने पहले जो यूज किया वो लिख लेता हूं। मैंने यहां पर लिखा था यूज किया था कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा यूज किया था एक, और एक साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा यूज किया था। कहां कहां पर यूज किया था आप सभी को बताएं, ये देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिखा, और ये देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिखा, ये हमने यूज किया था, ये सभी को पता है। अब देखो, अब मैं आपको एक और आइडेंटिटी दिखाता हूं। ये जो मैंने क्या कहा था सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये तीन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी इस एक्सरसाइज में जो हमारे फॉर्मूले यूज होंगे वो ये दो होंगे, ये दो जो सारे फॉर्मूले पूरी एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूले होंगे वो ये दो होंगे, ठीक हो गया दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको लगाते हैं, तो यहां पर लिखूंगा मैं यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। मैंने अभी आपको दिखाया, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मतलब जब जो सेम सेम है तो ये वन हो जाएगा, नीचे भी वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू वन अपॉन वन, यानी कि जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों वन। देखो कितने आसानी से हमने निकाल लिया, बस क्या है कि हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए तो हम क्वेश्चन को कितने भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं जो ये मैंने उतार रखा है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मैं पहले इस क्वेश्चन को उतार लेता हूं, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखो साइन 25 और कॉस इसको इसको ऐड करो तो कितना आ रहा है 25 प्लस 60 90 होता है, वैसे ही जब इन दोनों को ऐड करोगे तो सेम चीज होती है, ठीक हो गया दोस्तों। अब हम क्या करें, अब हमको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब जब हम करें साइन 25 डिग्री, ठीक हो गया, साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन
90 माइनस 25 डिग्री ये मैंने कर दिया, ठीक है, ये डिग्री बाहर से आएगा अंदर से नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप कहोगे कि यार यहां अगर 65 को बदला, कॉस को बदला, तो यहां भी कॉस को ही क्यों नहीं बदला, यहां साइन को क्यों बदला। अगर देखो, अगर मैं इस कॉस को बदलता ना, ये हो जाता कॉस 90 माइनस 65, ठीक है, कॉस 90 माइनस 65 यानी कि साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर 65 कुछ तो बनता नहीं हमारा, तो इसलिए मैंने इसको कर दिया दोनों को सेम में बदलिया। यहां से कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो साइन बदलेगा, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो सिंपल सी बात है, तो मैं यहां पर लिखूंगा यूजिंग, आप इसमें देखो, इसमें 25 25 25 25 बनाना होता है। अगर एक और मेथड होगी, साइन 90 माइनस 65 कर दो और कॉस 90 माइनस 65 कर दो, ठीक है, दोनों सेम चीज है, बस मैंने कॉस 90 माइनस 25 किया, तो ये नहीं कि यही मेथड है, आप साइन वाले को भी बदल सकते हो, इसको ऐसी रहने दिया, इसमें कॉस को बदल दिया, साइन को ऐसी रहने दिया, तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा यूजिंग साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है दोस्तों, साइन थीटा, ये हमको पता है, देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। चलिए आगे को सॉल्व करते हैं, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, साइन 25 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 25 डिग्री ये, प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 25 डिग्री, यानी कि ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। अब भी बढ़ा था हमने, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो मैं फिर से लिखेंगे यहां पर यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमारे यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये हमने यूज किया यहां पर, और यहां पर भी हमने ये यूज किया था, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1। देखिए कितने इजी तरीके से हमने सारे आंसर निकाल लिए, बस मैंने क्या कहा है, जो चीज आपको ध्यान रखनी है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो बेसिक फॉर्मूले हैं, मतलब सारे फॉर्मूले तो याद, आपको साइन वैल्यू आप सबकी याद करनी है, ठीक है, वैल्यू सबकी याद करनी है, और सबके फॉर्मूले याद करने हैं, इसका रिलेशन, उनके बीच रिलेशन को याद करना है, उनके बीच क्या संबंध है आपको वो याद करना है, तो फिर आपके क्वेश्चन इजिली हो जाएंगे, ठीक है। एक बार इस चैप्टर के सारे नोट्स खत्म हो जाए, मैं उसके बाद आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ये फॉर्मूले है ना, इनको कैसे जल्दी से जल्दी आप याद कर सकते हो, तो मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम अभी आगे को बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पर, ये है आपकी एक्सरसाइज के हैं, देखो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होगा, हमें ये बताना है। तो बता पाएंगे नहीं, हम बता पाएंगे, पहले बता, बिल्कुल बता पाएंगे, बिल्कुल आसानी से बता लेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता लूं, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन था हमारा 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। अब जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वैसे एक और फॉर्मूला होता है, देखो 1 plus tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कहोगे यार इसका फॉर्मूला कैसे यूज होगा, देखो यहां पर लिखूंगा यूजिंग, पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये 9 कॉमन ले रहा दोनों में से, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, होगा नहीं होगा पहले ये बताओ, होगा नहीं होगा। देखो 9 को अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 sec स्क्वायर a, फिर इसे करेंगे तो माइनस 9 tan स्क्वायर a, ठीक हो गया दोस्तों। तो अब देखो यूजिंग क्या करें, अब हम यूजिंग करेंगे 1 plus tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वाला। तो जब हम tan स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो देखो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बन रहा है, नहीं बन रहा है सेम, तो उसकी जगह कितना देगा 1, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे इसको, तो अब हम इसको लिख देते हैं इक्वल टू 9 into 1 सीधे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने यहां रख दी तो 1 हो जाएगा वो, तो हमारा आंसर कितना आ गया 9। देखो कितना सिंपल था, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो चलिए अब हम ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इसको भी कर लेते हैं, ये है 1 plus tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 plus cot थीटा माइनस cosec थीटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन उतार लेते हैं, पहले 1 plus tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 plus cot थीटा माइनस cosec थीटा, ठीक हो गया दोस्तों। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब सबको पता है tan की वैल्यू कितनी होती है, sec की कितनी होती है, cot की कितनी होती है, cosec कितनी होती है,
ठीक है, ये मैंने आपको सबको बताई है, आज मैं आपको नोटेशन दिखाऊंगा। ठीक है, आज मैं फटाफट से लिख दूंगा कि किसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक हो गया, तो टेन थीटा कितना होता है हमारा सभी को पता है, सेक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक्स थीटा होता है हमारा वन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और वन प्लस कॉट थीटा कितना होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है वन माइनस साइन थीटा। अगर किसी भी विद्यार्थी किसी भी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी एक बार ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट वन भी देख सकते हैं, जिससे आपको सब समझ में आ जाएगी ये चीजें मैं कहां से यूज कर रहा हूं और कैसे यूज कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम फटाफट से आगे को कर लेते हैं। ये देखो, अब हम इसके अंदर करेंगे फ्रैक्शन, मतलब एडिशन करेंगे फ्रैक्शन वाला, सब इसके अपॉन में वन होगा तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो वन इंटू कॉस थीटा कितना होगा कॉस थीटा प्लस ये तो साइन थीटा ही रहेगा और प्लस ये भी वन ही रहेगा। ठीक है, सेम चीज रहेगा। अब यहां पर भी वही करेंगे, इस वाले में ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। अब एक बार सब देखिए कि ये कैसे हुआ, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे को बताइए फटाफट से, बताइए आ रहा है सभी को समझ में? बिल्कुल, तो चलिए अब हम आगे को बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन एक ब्रैकेट में और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन एक ब्रैकेट में अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा साइन थीटा, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहां भी है यहां भी है और प्लस वन माइनस वन। अब आपको पता है हम क्या यूज करेंगे, यहां पर एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल वाले चैप्टर में, चैप्टर थ्री पार्ट तीन में जो हमारा एक फॉर्मूला था आइडेंटिटी पॉलिनोमियल में बताई थी मैंने आपको, पॉलिनोमियल मैंने आपको बताई थी जो आइडेंटिटीज होती हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर भी सेम चीज हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इन दो टर्मों को हमने एक मान लिया, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन है। ठीक है, माइनस वन प्लस वन माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूले में माइनस होता है। ठीक है, अपॉन उतना ही रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक हो गया। तो इसके बाद अब देखो, अब ये जो फॉर्मूला है ना, अब इसके बाद भी एक और फॉर्मूला लगेगा, अब कॉस थीटा अब यहां पर लिखेंगे हम, यहां पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ये सब चीज हमने पढ़ी हुई है, मैंने आपको बताया था कि आपको ये याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये हर जगह यूज होती है। ठीक हो गया दोस्तों, अगर जिसको अभी भी याद नहीं है तो अभी भी याद कर सकता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन, वन का स्क्वायर कितना होगा वन ही होगा माइनस वन। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ठीक है, अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने बहुत बार बता दिया कि क्या होता है, कितना होता है वन होता है। देखो अगर अभी भी शंका है तो ये देख ली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा वन होता है। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे इसको, ऐसे बॉक्स बना दिया, वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब प्लस वन माइनस वन ये दोनों कट जाएंगे तो नीचे क्या बचा हमारा टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया टू। देखो कितने इजी तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया, बस आपको जो क्या है बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिससे कि जो हमारा आंसर है वो फटाफट आए। अब देखो मैं बता देता हूं हमने क्या किया, हमने टेन की वैल्यू रखी यहां पर, देखो ये टेन की वैल्यू जो थी हमने वो रख दी, सेक की वैल्यू जो हमें पता है वो कॉस के टर्म में ये रख दी, साइन कॉस 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 साइन कॉट की इतनी होती है और कॉस की इतनी होती है हमें पता था, तो फिर हमने इनको आपस में सिंप्लीफाई किया तो ये आया अलग से, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इनके बीच में कोई साइन नहीं है इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई का साइन, तो आपस में जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा ऐसा आया। फिर हमने यूजिंग आइडेंटिटी की आली एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर हमारा ऐसा आया, फिर ये भी खोलना था हमको, फिर मैंने यहाँ पर याली आइडेंटिटी यूज कर ली। ठीक है, पेपर में ये नी भी लिखा होगा चल जाएगा, याली और ये लिख लेना एक बार एक बार के लिए, लेकिन याली नी भी लिखोगे चल जाएगा। ठीक है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखी है कि यहां से ये कैसे हुआ, वरना किसी बच्चे को समझ में नहीं भी आ सकता है, उसको हो सकता है कि भाई ये सीधे ये कैसे आ गया।
तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। इसको एक्स मानना, इसको वाई मानना, रख देना, ये आपका ये आएगा, ठीक है। फिर हमको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है वन, वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन हो गया, वन माइनस वन कितना होता है जीरो, तो यहाँ पर प्लस जीरो लिखने की क्या क्या जरूरत है, नहीं, वन प्लस जीरो कितना होता है वन, टू प्लस जीरो वही होता है जीरो, तो साइन थीटा कॉस थीटा बचा, दोनों से आपसन कट गए, तो हमारा आंसर कितना आ गया टू। तो देखिए कितने इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बस आपको क्या है बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखो, अब जो मैं क्वेश्चन ये कराऊंगा अभी अब से, और जो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, अगर मैं इस वीडियो में खींचूंगा तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी, ठीक है, तो क्योंकि आपको और सब्जेक्ट भी पढ़ाई करनी होगी, तो इतने हम अभी छोटी सी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैं अब कराऊंगा यहां से, अभी मैं इसके बाद में 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के, ये वाली और अगली वीडियो, वो मान के चलिए कि मोस्ट मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मान के चलो कि ये आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, इनमें से कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन आएगा, ये आप मान के चलो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, इसमें क्या करना पड़ता है हमको, हमको इस वाले से एल, ये होता है LHS, लेफ्ट, ये लेफ्ट हैंड की साइड है, देखो मेरा राइट है और लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड की साइड, यानी कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड की साइड तरफ, तो ये हो गया RHS, ठीक हो गया दोस्तों, ये LHS या RHS, तो हमको LHS और इनको आपस में ये इक्वल है, हमको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन में दिया गया, हमको ये प्रूफ करना है, तो चलिए अब हम प्रूफ करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्यूशन लिखेंगे, यहां पर लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी कि हम इसका हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, तो देखो अब कॉसेक थीटा और कॉट थीटा हम लेंगे LHS, ठीक है, LHS, आप RHS लेके LHS भी प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, बस क्या होगा जब RHS लेंगे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करोगे फिर उसके बाद बहुत ट्रिकी टाइप का हो जाएगा। अब हमें पता है कॉसेक थीटा होता है वन अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा पता है हमको क्या होता है, तो हम इसको सीधे से कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमको ये पता है ये कितना होता है वन अपॉन साइन थीटा, पता है नहीं सबको, कॉसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा होता है, कॉट थीटा कितना होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब पहले हम इसको अंदर सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो अंदर दोनों का एलसीएम सेम है तो साइन थीटा और ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, वन माइनस कॉस थीटा वैसा ही रहेगा का होल स्क्वायर, यानी कि वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। देखो अब हम ऊपर वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर मतलब वो दो बार लिख लेते हैं हम उसको, ठीक है। अब मैं करूंगा यूजिंग, अब हमें साइन स्क्वायर थीटा को ऐसा बदलना है कि जो हमारा जो हमें प्रूफ करना है वो आ जाए, ठीक है। हम यूजिंग कर लेंगे, हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है वन, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ये बिल्कुल सरल तरीके से हमको जो फॉर्मूला थे वो यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम वाली वैल्यू रख देंगे यहां पर, तो क्या आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा ए ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो हम इसको ऐसा लिख सकते, नहीं बताना मुझे, वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, ये तो सभी को समझना। अब नीचे वाले को लिख सकते हैं हम वन का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बता लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि वन का स्क्वायर कितना होता है वन होता है, ठीक है। तो चलो अब हम अब आगे को सॉल्व करते हैं, इसके बाद क्या होगा, देखो ये अब देखो हमारा आया ये, देखो वन माइनस कॉस थीटा इस ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। नीचे हो जाएगा वन माइनस, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, मतलब एक्स प्लस वाई यानी कि वन माइनस कॉस थीटा और दूसरा हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा। अब ये कहां से आ जाए, ये देखो अब भी हमने ये यहां पर यूज किया था, देखो ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब हमारे क्वेश्चन में हमको ये दिया है तो इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। तो चलिए हमने वही लिखा है, ये देखो हमारा आया ये वन माइनस, तो एक वन माइनस कॉस थीटा से एक वन माइनस कॉस थीटा हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, तो हमारा आएगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। तो देखो हमको जो निकाला और जो प्रूफ करना था, ये हमको प्रूफ करना था और ये हमने निकाल दिया, तो हमारा आंसर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर ब्लैक पेन से हाईलाइट करके, ये कर दिया हमने, यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हमने सिद्ध कर दिया कि हमको जो निकालना था यानी कि
LHS इज इक्वल टू RHS हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा ये। तो LHS इक्वल टू RHS लिख के आना लास्ट में, क्योंकि आपको यही दिखाना है इसमें कि आपका LHS इक्वल टू RHS है, आपको यही दिखाना होता है लास्ट में। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS लिख के आना, मत भूलना। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो चलिए शुरू करते हैं उसको भी। देखो, cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। ठीक है, तो पहले मैं सॉल्यूशन लिखूं फिर आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को। ये देखिए हमने लिख दिया क्वेश्चन। अब अगर मैं कहूं हमने टेकिंग LHS, यहां पर LHS ले, मैं LHS लेके करूंगा। अगर आप कहो कि यार RHS लेके कर, देखो अब sec a क्या होता है, 1 अपॉन cos a। अब ये बताओ 2 अपॉन cos a को आप इतने बड़े में कैसे बदल सकते हो, बदल सकते हो? हाँ, अगर कुछ आप अलग सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें तो आ सकता है। मैं नहीं कह सकता कि नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आएगा, आ सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए हम, क्योंकि हमें पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं और हमारे पास एक फिक्स टाइमिंग होती है, और एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास कुछ फिक्स टाइम होता है। तो ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक हो गया, इस मतलब जो इजी पार्ट है हम उसको सॉल्व करने के, क्यों हम अपने क्वेश्चन को डिफिकल्ट करें, इससे अच्छा हम उसको सीधे इजी तरीके से कर लेते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। कॉस ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ये इससे मंडरा होगा, इससे मंडरा अपॉन हो जाएगा कॉस ए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए। ठीक है, नहीं दोस्तों, हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखो, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई। अब ये भी, अब भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, देखो ये लिखा है अभी फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई। ये फॉर्मूले आपको जो एलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है, ये 8 होती है, ये आपको याद करनी ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये कहीं भी कैसे भी यूज हो सकते हैं आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए अब इसको खोलते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपॉन कॉस ए, और नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक, ये हो गया। अब हम इस देखो, अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1। तो पहले इनको साथ में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 सॉरी प्लस 1 तो ऐसे ही आएगा प्लस 2 साइन ए अपॉन कितना हो जाएगा, देखो कॉस ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं आगे को। अब देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूजिंग लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने ये यूज किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस ए। ठीक हो गया दोस्तों, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो हो चुका है, देखिए ये बिल्कुल मजे से हमारा आ रहा है। ठीक है, जिसको जो समझ में नहीं आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है, मैं उसको बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए, आप कमेंट करते ही नहीं, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, 2 प्लस 2 में हमने 2 कॉमन ले लिया, तो बच गया अंदर 1 प्लस साइन ए। अब कैसे बचा, देखो जब हम 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 से साइन ए को करेंगे तो 2 साइन ए आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात, तो नीचे हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है दोस्तों, तो इससे ये कट गया, तो हमारा आया 2 अपॉन कॉस ए। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब हमें पता है 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है, sec ए, तो हमारा 2 sec ए आ गया। तो देखिए हमको निकालना क्या था, 2 sec ए, और हमारा कितना गया 2 sec ए, तो जो हमारा क्वेश्चन था हेंस प्रूव्ड, यानी कि जो हमको सॉल्व करना था हमने निकाले, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सबसे जो आपको कहीं पर डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और जब तक कोरोना वायरस अच्छे से ठीक नहीं हो जाता तब तक 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ठीक हो गया, और अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करते रहिए, इम्यूनिटी बनाए रखें अपनी, और क्या कहते हैं आसपास साफ बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का से पक्का कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद,
आपका।